जय मसीह सभी को। जय मसीह। हम प्रार्थना में खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सुनार गुरु का। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए आपने यहाँ पर हमें उपस्थित किया है। धन्यवाद। उससे मैं जो भी जाने अनजाने में पाप पत्र जो है पिता परमेश्वर उसे अपने लहू से घोषित कर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इस समय इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में कलीसिया में जो भी भाई बहन उपस्थित है पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में रखती हूँ और मुझे भी आपके हाथ में रहती पिता परमेश्वर ताकि आने वाली आपकी स्तुति आराधना में मैं आपके साथ आप मेरे साथ रहो और मुझे मार्गदर्शन करो। इस कलीसिया को आपके लहू से कवर करो। जो आने वाले रास्ते में पिता परमेश्वर उन्हें मैं आपके हाथ में सभी के परिवार को मैं आपके हाथ जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको आपके हाथ में पवित्र आत्मा से हम सबको मार्गदर्शन करो। धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन को देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दुर्भर ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर करते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं यह बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा से मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि ये यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुंह मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? प्रभु में आनंदित। आनंदित। गुरु का स्वागत करते हैं, इसी के आराधना में हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभेश। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभेश। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस समय के लिए प्रभु आपको मैं आमंत्रित करती हूँ प्रवेश। आप यहाँ पर उपस्थित है प्रवेश, हम सबके साथ आप है प्रवेश, आप जीवित हो प्रवेश, तीनों लोगों के स्वामी हो प्रवेश, आदि और अंत आप ही हो प्रभु, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रवेश, सारे सृष्टि के मालिक हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्हें हो प्रभु। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रवेश। धन्यवाद 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 ही होके आपको प्रवेश, क्योंकि प्रवेश आपने सब कुछ बनाया प्रवेश, पृथ्वी में जो कुछ भी है सब आपने बनाया प्रवेश, हम उसमें से क्या दे सकते हैं आपको? धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु। धन्यवाद प्रवेश। हम सबको यहाँ पे आज ले आए आप प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। आज तक संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में सारे पापों के तुम क्षमा करो, पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, प्रार्थना के योग्य से करना प्रवेश। हम स्तुति आराधना में जा रहे तो प्रभु आप हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन कर, स्तुति आराधना करने के लिए आपको सामर्थ्य ताकत देंगे। धन्यवाद प्रवेश। इस समय को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, इस भवन के चारों ओर प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ,
जितने आए हैं जो आने वाले प्रवेश जो नहीं आ सकते हैं आज प्रभु उन सबको भी प्रवेश तेरे हाथ में देती हूँ तेरे पवित्र लहू से मैं सबको कवर करती हूँ हर एक दूसरे से तेरे कार्य को इस भवन से तोड़ के प्रवेश आपके चरणों में डालते हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मानते हैं आमीन पवित्र अति पवित्र स्थान मेरे चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते सजदा हम आत्मा सच्चाई से आराधना करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु शुद्ध जल छिड़क दे मेरे मन को बदल दे शुद्ध जल तू छिड़क दे मेरे मन को बदल दे प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु जितना मैं चाहूँ तुझको मैं जानूँ जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते सजदा हम करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते सच में प्रवेश तेरे पवित्र लहू से हम सबको तो धो के शुद्ध कर आते पवित्र स्थान में प्रभु हमें ले चल ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें तेरे प्रार्थना करें तुझे धन्यवाद दे तेरे नाम को ऊंचा उठाए तेरे नाम को सहराए तेरे नाम का वर्णन करें
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे परम पिता की स्तुति गाए सबसे भी बड़ा प्रवेश तूने हमारे लिए प्रवेश को इस दुनिया में भेजा क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है, तू हम पर दया करता है। धन्यवाद प्रवेश उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश।
सुनो सुनो यीशु आएगा, सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने झंडे जाएगा, सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने झंडे जाएगा, यीशु को सब के लिए लोगों ने जाते हुए भी तुझे देखा है और तू आने वाला है फिर से मिलने के लिए। जब तक इस धरती पे तू था प्रभु, हमारी सेवा में लगा था प्रभु, और तू जाने के बाद में हमें तूने पवित्र आत्मा भेजा है हमारी सेवा के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से
प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंदर सांसने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंदर सांसने वाला मैं यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हर संभव को असंभव कर दिया था। धन्यवाद। और एक बात में अमित
अपने बल और शक्ति दी करके धन्यवाद। हर एक कष्ट को आप आपके हाथ में देते पिता, हर एक दुष्ट को हमारे जीवन से निकाल देते, आपके हाथ में सभी प्रॉब्लम को देते पिता, हम अपने आप को आपके हाथ में देते पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा आनंद हमारे अकेलापन को दूर करता है प्रभेश, और हमारे जीवन में प्रवेश असंभव को संभव कर देता है प्रवेश, जो हमारे लिए असंभव है तो हमारे जीवन में वो संभव कर देता है प्रवेश, क्योंकि हम सब प्रवेश हमेशा सोचते हैं कि ये नहीं हमारे से हो सकता है, अगर तू हमारे जीवन में उस समय को ले आता है, उस आनंद को ले आता है तो हमारी ताकत बनता है प्रवेश। सत्य प्रवेश, हम जब सोचते हैं कि हम अकेले हैं, मगर तू हमारे साथ रहता है प्रवेश, जब हम निर्बल है तभी तो हमारे हमारे लिए तू बल बन बनता है प्रवेश, हमारे हमें बल देता है तू प्रवेश, जब हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा प्रभु, मगर तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमें ताकत सामर्थ बुद्धि और ज्ञान से भर देने वाला है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सत्य में प्रवेश, सब कुछ तो हमारे जीवन में करता है प्रवेश, अगर हमें धीरज धरे रहना है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेक करो, पवित्र आत्मा से हमें भर दो ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके, पवित्र आत्मा हमें सहायता करो, हमें मदद करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने मार्ग पे चला हमको,
कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। सचमुच प्रवेश फिर से वो आग बरसाते प्रसन्न हमारे जीवन में, हमें तो उत्साहित कर प्रभु, जैसे हम नए थे प्रभु में उत्साहित थे, हर समय समय को देते थे प्रवेश, हर समय हम यहाँ पे उपस्थित रहते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे प्रवेश, और फिर से आप हमारे जीवन में तो बरसाते प्रभु, तो हमारे मन को बदल प्रभु, ताकि हम तेरी सेवा में हमेशा उपस्थित रहें, तेरे सामर्थ से हमें भरते प्रभु, तेरे ताकत से हमें भरते प्रभु, ताकि हम हमेशा चर्च आ सके, टाइम पे पहुंच सके, क्योंकि तू हमारे यहाँ पे राह देखता है। सच में प्रवेश तो हमारे मन को बदल दे प्रभु, हमारे मन को बदल दे प्रभु, तू ही कर सकता है प्रवेश, ये हमारे हाथ में ही होगा हमारे मन को बदलने का प्रभु, तू हमें बदल दे प्रवेश, तेरे इच्छा के अनुसार तो हमें बना प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के साथ आपके पास आती हूँ और सभी देशों को आपके हाथ में। हाँ प्रवेश, इंडिया और हांगकांग आपके हाथ में रहते पिता परमेश्वर, यहाँ पर हम हांगकांग में रोजी रोटी के लिए प्रवेश, हमें यहाँ पर संभाले रखा इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद सभी हांगकांग के लोगों को मैं आपके हाथ में। हाँ प्रवेश, सबको अपनी आशीषित किया, धन्यवाद। सबको यहाँ पर रोजी रोटी बनाए रखी, धन्यवाद प्रवेश। भारत को मैं आपके हाथ में रहती पिता परमेश्वर, जहाँ से हम आए प्रभु प्रवेश, भारत देश की अपनी उन्नति की उन्हें सही हाथों में रखा करते, धन्यवाद प्रवेश। सभी नेताओं को ज्ञान सेवा दिया है। हाँ प्रवेश, सभी सभी हमारे परिवार वहाँ पर है उनकी रक्षा की, प्रवेश बुद्धि और ज्ञान दिया करते, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को अपनी रोजी रोटी दी वहाँ पर भी, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रवेश, सभी हमारी सभा के सदस्य और उनके परिवार सुरक्षित है, उनकी रक्षा की, उनके साथ रहे आप प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रवेश। अंग्रेजी और हिंदी सभा अपनी बढ़ोतरी हुई करते, धन्यवाद प्रवेश। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ पर उपस्थित है आपके आशीष बनाए रखना पिता परमेश्वर, और अगली सभा में भी हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो और आपके महिमा बढ़ाए ऐसा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है जो नहीं आए उन सभी को आपके हाथ में लेते पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना और उन्हें आत्मा से धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, नई आत्मा से हमारा परीक्षा भर गया, अब जानते हो पिता परमेश्वर नई आत्मा पाए कैसे कहाँ से आएगी, वो आपके हमारे बस की नहीं, वो सब आपके हाथ में छोड़ते धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जय कुमार संतोष रूबी माला रितेश रविंद्र, और हम सब पिता परमेश्वर हम सबको अपने रोजी रोटी दी है करके धन्यवाद। सबको जो नौकरी की तलाश में पिता परमेश्वर आपने उनके लिए जहाँ पर भी नौकरी रखी है वो उनको सही समय पे मिल जाएगी ऐसा मैं विश्वास। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, रंजना ताई तानिया सुनीता मीना रोज प्रदीप का बेटा रीता मानो माला, हमेश्वर पिता परमेश्वर हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया, चंद्रायणी करते धन्यवाद प्रवेश। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, विनोद दीपक सत्तू मुकेश राहुल हम सब और हमारे परिवार हम सबको अपने छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, हर बुराई से हर व्यसन से,
हर एक बुराई से हमें बाहर निकाला करके आपके राज्य में बढ़ाए इसलिए धन्यवाद। गिनती किसके पास है ये जय मसीह। जय मसीह बहनों को आज मुझे विनती देना है। मेरी जो सास है प्रभु जी से मैं मांगती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरी सास बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ 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 हो रहा है, तो दिल को थोड़ा डर भी लगता है कि और उसे हिम्मत ताकत दे दे, क्योंकि चक्कर आ रही है, खून की कमी है, तो बहुत कुछ है। तो मुझे विश्वास है कि प्रभु जी जरूर मेरी विनती सुनेंगे और बहुत जल्दी मेरी सास ठीक हो जाएगी। और हमारी ननद जो इधर बैठी है उनके दो बच्चे हैं जो किसी के पास छोड़ के आए, सास के पास कभी, ननद के पास तो कभी, किसी के पास कभी किसी के पास। और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है छोटी वाली का, पूरा घाव पूरा मुंह में सब मोटा मोटा हो गया है गर्मी के वजह से। आम खाए होंगे तो सब गांव में आम बहुत होता है, तो प्रभु जी उसे भी ठीक करे। इसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बच्चे लोगों का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बच्चे लोग का ज़्यादा टेंशन रहता है, तो वो भी बच्चे लोग अच्छे से रहे, क्योंकि माँ के लिए एक बच्चे लोग भी सब दुनिया का पहाड़ उठा लेंगे, मगर बच्चा जहाँ गड़बड़ हुआ तो माँ का टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रभु जी जरूर उनको ठीक रखेंगे, उनके पंख के नीचे रखेंगे ताकि संभाले रखेंगे जब तक ये नहीं जाती है। और उसका बच्चे का एडमिशन भी हम लोग ढूंढ रहे कि कोई अच्छा जगह में एडमिशन हो जाए। एक 9 साल की हो गई तो एक 4-5 साल की हो गई, तो अभी तक एडमिशन ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रभु जी रास्ता खोल दे। और हम सब बहनों को संभाले रखा, अच्छा से रखा, हमें सब नौकरी दी, अच्छे से हम इधर है, उसके लिए भी प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपनी गवाही देना चाहती हूँ। लास्ट संडे हम जा रहे थे मकाओ जी। मकाओ के वो डिज्नीलैंड तक पहुँचे, वहाँ से मकाओ के लिए बस था, बट जब इमिग्रेशन कर रहे थे तो मुझे उन्होंने अटका दिया कि आपने वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया है 1 साल के बाद, जो हम इंडिया जाके या कहीं जाके एग्जिट होते हैं वो नहीं किया है। बट मैं, मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो रहा था, इसके लिए जब मैं इंडिया से आई तो ज़्यादा टाइम नहीं था पासपोर्ट के लिए, तो उन्होंने मुझे तब तक का ही वीज़ा दिया जब तक कि मेरा पासपोर्ट है। और जब मैं पासपोर्ट बनाने के बाद उनके पास गई और उन्होंने उनको बताया था कि मैंने पासपोर्ट नया बनाया, आप इसमें मुझे ट्रांसफ़र करके दो, बट उनसे कुछ समझने में गलती हुई थी मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ मुझे आगे का वीज़ा दिया बट डिडंट मेंशन कि मेरा क्या स्टेटस है वहाँ पर, राइट। तो जब मैं, हम लोग जा रहे थे मकाओ, तो मुझे तो अटका दिया, ये सब हमारे चले गए अंदर इमिग्रेशन ने मुझे अटका दिया। मैं तो डरी नहीं, पता नहीं उस टाइम में डर नहीं लगा मुझे, प्रभु मेरे साथ पछराए। उन्होंने पूछा, फिर बोल नहीं समझ आया उनको भी, फिर अंदर लेकर गए, कैबिन में लेकर गए, तो वहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है एक्चुअली सिचुएशन क्या था, बट मैं तो अपने साइड से सही थी, मैंने सब कुछ इमिग्रेशन में जाके बताया था, तो मेरा फॉल्ट नहीं था, बट उनकी तरफ से गलती, बट उनको समझ नहीं आया। आधा घंटा तो मुझे अंदर ही बिठाया, पर उन्होंने सारा कंप्यूटर में चेकआउट किया कि क्या स्टेटस है, क्या नहीं है, वीज़ा है नहीं है, बट वो तो सब था। और मैं बैठे बैठे इन सब का फोन आ रहा है बार बार, क्या आ रहा है, भी डर गए थे कि भाई इसको कुछ अटकाउट कर तो नहीं चला गए, बट मुझे प्रभु पर विश्वास था, मैं प्रे करते बैठी थी,
अंदर से प्रार्थना छा ले कि भाई प्रभु कुछ मेरी तो गलती नहीं है, बट फिर भी अंदर लाए तो डर तो लगता ही है ना। बट सब हुआ, उन्होंने पता नहीं आया खुद ही वो बड़ा ऑफिसर और पासपोर्ट और मेरा सब दिया और मुझे बोला कि नेवर माइंड यू टुमारो इमिग्रेशन एंड सी व्हाट विल दे से। तो फिर मैं दूसरे दिन गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि फॉल्ट मेरा नहीं था, उनका था। और एक वीज़ा फिर से स्टैम्प मार के तो प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इस मुसीबत से निकाला। और उसी के लिए मैंने एक वचन भी निकाला है, भजन संहिता 118 का 1 से 10 वचन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवाये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर से है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं नीचे उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तो ये वचन यही कहता है कि जब भी हम संकट में हैं तो प्रभु को जरूर पुकारना चाहिए और जरूर छुड़ाएगा। और ये मेरी खुद की गवाही है कि उस समय मैंने उनको पुकारा और मैं वहाँ से छूट गई। इंसान पे आप भरोसा कर सकते हो बट उस पर आपको मिलेगा मदद नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उसको पुकारेंगे तो 100% आपको जरूर मदद मिलेगी। प्रभु हमारे साथ हमेशा होता है, बस उसको पुकारने की जरूरत। धन्यवाद, प्रभु की बड़ाई करते हैं। आमें। 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 दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। इनका घर है यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इनका घर है यीशु का नाम। भारत के
इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कोने कोने बोलते नहीं था। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु। सुंदर समय के लिए अर्पण को निकाला है प्रभु। प्रभु इस अर्पण का उपयोग आपके राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु तो आशीष देता है। तेरे आकाश के झरोखे खोल के प्रभु अपरम पार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर प्रभु। इस देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वचन सुनना है सबको ना। आज हम देखने वाले खजूर के झाड़ का उदाहरण। खजूर के झाड़ बहुत मजबूत होता है और वो रेत में उगता है, ऐसे मिट्टी की जमीन में नहीं उगता है। तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्रभेश मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। तो इस वचन को बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को बताने के लिए प्रभु तुम मुझे सहायता कर, तुम मुझे मदद कर, तुम मुझे मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा को अपने नए सामर्थ्य मुझे अभिषेक कर। वचन को बताने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता। इस वचन का सारांश मुझे बता दो। पवित्र आत्मा तुम हम सबको तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, हमारे आत्मिक हृदय को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे ताकि तेरा वचन हम सुने, सिर्फ सुनने नहीं उस वचन के मुताबिक चलने की कोशिश करें। हमें तैयार कर, हमारे आत्मा में हमें तैयार कर। धन्यवाद प्रभेश इस वचन को बताने के लिए। प्रभेश तेरी ताकत तेरे सामर्थ्य तेरे बुद्धि और ज्ञान से मुझे पढ़ते प्रभेश ताकि इस वचन को मैं पाठ सकूँ। धन्यवाद प्रभेश इस वचन पर तो आशीष। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा धीरज देता है। बोला कि प्रभु ने तुम्हारा सुना, मैं चार दिन से ठीक हूँ। मैंने बोला प्रभु जी को कोटि-कोटि धन्यवाद। आमीन। मेरा तो भी धन्यवाद चार दिन हो गया। आज चौथा दिन क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन। अपन भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 92 से गर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे।
यही हवा की पवन में रुपये जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और स्नेह लहराते रहेंगे। देखो यहाँ पे तीन बार कहा है, तीनों वचन में भी कहा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। और 13वें वचन में भी कहा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। 14 में भी लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब हम प्रभु में आते हैं नए नए, तो हमें कुछ पता नहीं होता है, मगर हम सीखते जाते हैं। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग, अभी धर्मी लोग हम सब हैं, प्रभु के वचन के मुताबिक हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें हमारे आचरण में हमें लाना है। अभी ये खजूर ज्यादातर इंडिया में नहीं बिकता है ना, हम सबको पता है, वो अरब कंट्रीज में बिकता है ना, रेत में। इजराइल भी वही देश में आता है ना। तो दाविद राजा, अगर हम उदाहरण देने जाएंगे, अगर हम खाना बनाने वाले हैं, तो हम ज्यादातर हमारी भाषा क्या होगी, ये पार्ट टाइम में आज ये बनाया, आज पार्ट टाइम में वो बनाया, हमने आज ये किया, हमने वो किया। अगर हम विश्वास हुए प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक चलते हैं हम, तो हम जहाँ पर भी जाएंगे प्रभु के बारे में बातें करेंगे, यानी कि जो हमारे अंदर है वो हम बोलेंगे। अभी ये दाविद राजा इसराइल में है, तो वो किस चीज का उदाहरण देगा मजबूती के लिए? तो वो खजूर के झाड़ का उदाहरण दे रहा है। तो खजूर के झाड़ जब इंसान लगाता है, तो ऐसा दिखाता है कि हमें धीरज भी धरना है। खजूर का झाड़ जब जमीन में लगाते हैं, तो वो जमीन के ऊपर जल्दी नहीं उगता है, जब तक वो अपनी जड़ें नहीं बनाता है, क्योंकि वो रेत पे उगता है तो उसको जड़ें ज्यादा फैलनी होती है। जड़ें जब तक वो जमीन में नहीं पकड़ता है, तब तक वो ऊपर भी नहीं आता है और बड़ा भी नहीं होता है। तो हमें परमेश्वर वचन क्या कहता है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी जन कौन है? हम लोग हैं। हम वचन सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, मगर क्या करते हैं, यहाँ पे कटा डालते हैं हम लोग, और यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से सुन के हम अंदर नहीं लेते। अगर हम अंदर लेते तो अपने आप को हम बदल देते हैं, और प्रभु के ऊपर हम निर्भर रहते हैं और प्रभु के हिसाब से चलते हैं, यानी कि मजबूत होते जाते, मजबूत होते जाते, क्योंकि जो कुछ भी है वो प्रभु से बाइबल के द्वारा हमने सीखा है। तो हमें मजबूत होते जाना है प्रभु पे, ज्यादातर निर्भर होते जाना है, और हमें फूलना है। फूलना है मतलब है कि हमने जो सीखा है वो हमें दूसरे को बताना है, दूसरे को बताएंगे तभी हमारे अंदर से वो निकल रहा है, यानी कि हम लोग फूले फले हैं। अगर शादी होती है, पति पत्नी रहते हैं, तो परिवार को क्या बोलते हैं? अकेले ही है लोग, फूले बच्चे होंगे तभी बोलते हैं हरा भरा परिवार है। तो हमारे अंदर से परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, तो सुसमाचार के द्वारा हमें दूसरे को सिखाना है। अगर दूसरे को हम सिखाने जाएंगे, अगर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ और मैं बोलूंगी इसको, तुम गुस्सा मत करना, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तो ये क्या मुझे बोलेगी? तो अपने गुस्से को पहले तो ठंडा कर, है ना। हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार है, तो हम प्यार देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसराइल में जो है उसका उदाहरण दाविद राजा ने हमारे सामने रखा है, कि खजूर का उदाहरण ऐसा है कि खजूर का झाड़ मजबूत रहता है, जमीन में ज्यादा जड़े पकड़ता है। तो हमें हमारी जड़े ज्यादा वचन में होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आज भी इसको एक वचन मिला था परमेश्वर का, लास्ट में वचन नहीं रहेगा, बाइबल नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अभी देखे लोगों ने, नेपाली देश कौन सा मणिपुर में, मणिपुर में विश्वासी लोगों पे कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार होता है, हो रहा है, सब लोगों को मार रहे हैं, प्रचार करने वाले लोगों को मार रहे हैं। अभी दो महीने एक महीना पहले दो लड़कियों को एकदम बिल्कुल कपड़ा नहीं था बदन पे,
पिस्तौल के नोक पे तान के उनको नंगा घुमाया, अत्याचार करे सब, यानी कि प्रभु के लोगों पे अन्याय ऐसा होगा, लास्ट में वचन भी नहीं होगा, बाइबल भी नहीं होगा, तो वचन हमारे अंदर होगा तो तभी हम बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु को भी तो शैतान ने परीक्षा ली, अभी परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु के पास था, तभी तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने बोला ना कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। तो हमारे अंदर अगर वचन होगा, अगर हम थके हुए हैं, हम हारे हुए हैं, तो हमारे पास वचन होगा कि नहीं नहीं हमने तो वचन में सुना है कि प्रभु हमारा हमें शक्ति देने वाला है, प्रभु हमें सामर्थ्य देने वाला है, प्रभु हमें बुद्धि देने वाला है। अगर हमारे अंदर कुछ चीज की घटी है तो हमारे पास ये वचन है तो हम बोल सकते ना कि नहीं नहीं प्रभु तो हमें सब कुछ देने वाला है। अभी हमने गाना गाया ना, ये गाना तो मैंने 4 हफ्ते पहले निकाला था, मगर प्रभु ने ये वचन मुझे रात को दिया है। क्या बोलता है, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ तब प्रभु यीशु ने क्या कहा, तेरे साथ रहने वाला हूँ। मैं निर्बल हूँ बोलता है तो प्रभु क्या बोलता है, बल देने वाला मैं हूँ, ताकत देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं हूँ। और जब मैंने सोचा अकेला हूँ तो प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। और जब बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, असंभव है मेरे लिए, मगर प्रभु का वचन कहता है कि असंभव को संभव करने वाला मैं हूँ। अगर हमारे पास वचन है तो हम प्रभु को बोल सकते, किसी को भी शैतान को हराने के लिए भी हमारे पास वचन होना चाहिए। हम ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं नहीं वचन में ऐसा लिखा है कि मेरा जीवन सुधरेगा, वचन में ऐसे लिखा है इस बीमारी से मैं बाहर निकलूंगा, वचन में ऐसे लिखा है इस दुख से मैं बाहर निकलूंगा। क्योंकि सारे वचन हम सबके लिए होते हैं, हर एक के जरूरत के लिए होते हैं, यानी कि हमें पता नहीं है हमारी जरूरत कब आएगी, हमें बुरा वक्त कब आएगा, मगर हमारे पास अगर वचन होगा तो वचन को हम दोहरा सकते हैं कि नहीं नहीं प्रभु ने इस वचन को बताया था। तो उस वचन को लेके हम उस खाई में से, उस दलदल में से, उस बीमारी में से, उस कमी घटी में से हम उभरने के लिए काम आता है। हमारे पास अगर वचन है तो सचमुच हम उस वचन को लेके आगे बढ़ेंगे और फिर से फूले फलेंगे ना, हम उसी में बैठे रहेंगे कि हे देवा काय करो, हे प्रभु हम क्या करें क्या करें, हम वैसे करते बैठे तो हम धसते जाएंगे। मगर प्रभु को साथ लेके चलते हैं, प्रभु को हम अपना जीवन पूरा देते हैं, प्रभु पे निर्भर रहते हैं, तो प्रभु हमें उसमें से निकालता है ना। अभी देखो उन्होंने क्या बोला, इतने दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी मगर 4 दिन से ठीक है, प्रभु पे निर्भर है, इसीलिए प्रभु उन्हें कहीं से न कहीं से ताकत बुद्धि देता है ना संभालने के लिए। अगर हमारा विश्वास है प्रभु पे अटल तो जरूर हमें इसीलिए हमें क्या करना है, हर एक वचन आता है तो हमें उस वचन में से कुछ सीखना है, हमें मजबूत बनना है। क्योंकि परमेश्वर जब हमसे प्यार करता है, अभी प्रभु परमेश्वर का क्या मतलब था कि हमें बनाए, हमारा जीवन उसने बनाया, 7 दिनों के बाद बनाया ना, पहले सारे हमारे सुख सुविधा की चीजें बनाई, फिर हमें बनाया और हम पाप में गिर गए, पाप में से निकालने के लिए भी उसने हमें प्रभु यीशु को भेजा। वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि उसने हमारी रचना की है, उसने हमारे रचना की है तो हमारे लिए क्या चाहिए वो हमें सिखाता है, बाइबल में से दिखाता है और हमें समझाता है, समझाने के लिए लोगों को भेजता है। तो ये प्रभु ने हमसे प्यार किया है क्योंकि उसने इस धरती की रचना की है। परमेश्वर को किसी ने देखा है, किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, किसी ने देखा है नहीं, मैंने नहीं देखा है तो किसी ने नहीं देखा है, मगर परमेश्वर हमें सहायता करता है, विश्वास है हमें कि उसने हमें बनाया है, उसने अपने हाथों से मुझे बनाया है, जीवन का श्वास अपना उसने मुझे दिया है, तो वो हमें क्यों ना मुसीबत से निकालेगा, जरूर निकालेगा, क्योंकि उसकी रचना है, उसके हाथों के काम है। और क्या कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लाबानों ने देवदार, यानी कि लाबान वो भी झाड़ इज़राइल में है, देवदारों के झाड़, यानी कि वो लकड़ी भी कभी खराब नहीं होती, नहीं बोलते अपन सागाची लकड़ी, सागवानची है ना, उसी का ही तारू बनाया था नोहा ने, जो जहाज बनाया था उसी लकड़ी का बनाया था, तो वो लकड़ी भी कभी खराब नहीं होती। तो एक उदाहरण के तौर पे दिया है कि हमें मजबूती से प्रभु के वचन पे निर्भर रहना है, तभी हम
ना किसी संकट में डगमगाएंगे, ना किसी मुसीबत में हम घबराएंगे, क्योंकि मजबूती हमारे अंदर है। क्योंकि हर एक वचन को लेके हम चलते, तो जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम डगमगाते रहेंगे, किसी के बहकावे में आते रहेंगे। तो इसीलिए हमारा क्या कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। 13वां वचन में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर। हमें हमारे अंदर बीज बोया है, रोपे जाने के मतलब बोना है ना, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का बीज बोया है, तो हमारे परमेश्वर के आंगनों में हमें फूले फलेंगे। तो हमें हरदम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने का कोशिश करके इस चर्च में आना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने उसकी महिमा के लिए हमें बनाया है। 14 वचन क्या कहता है, वे पुराने होंगे पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम तो अभी बूढ़े हो गए ना, हमसे कुछ होता नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हम प्रभु में बढ़ेंगे, जितना परमेश्वर का वचन हम हमारे अंदर लेंगे, उतने हम हरे भरे रहेंगे और फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे। यानी कि कोई भी दुख आए तभी हम प्रभु को नहीं कुड़कुड़ाएंगे, कोई भी संकट आए तो हम प्रभु पे दोष नहीं डालेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझे नहीं त्यागूंगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो कैसा रहता है, भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है 2 और 3 में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। अभी इधर पुरुष लिखा है मगर परमेश्वर का वचन कहता है दोधारी है, पुरुषों के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है। ऐसा नहीं बोलेंगे ये तो पुरुषों के लिए ना, हमारे लिए नहीं है, फादर्स डे के लिए, मदर्स डे के लिए नहीं है, ऐसे नहीं है। मगर क्या कहता है दूसरा वचन, पढ़ो फिर से, तुम पढ़ो। परंतु परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। क्या कहता है, परंतु वो तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किसके, परमेश्वर की व्यवस्था से। परमेश्वर की क्या व्यवस्था है कि उसने हमें बनाया है, उसके राज में हमें बढ़ना है। वो क्या चाहता है, उससे हमें प्रार्थना करना है और उसके व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है। क्या कहता है, क्या कहता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, प्रभु की व्यवस्था से। ऐसा नहीं कि देखो प्रसन्न रहता है, अगर देखो मैं कहीं गलत हूँ, अगर मेरी गलती बाइबल के द्वारा या किसी ने दिखाई, तो हमें दुखी नहीं होना है, प्रभु हमें उससे निकालना चाहता है। हमारे अंदर जो कमी है उसके, वो कमियों को हमारे अंदर से निकालना चाहता है। इसीलिए कहता है यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तो हमें हमारे मन को दुखी करके हमें नहीं बोलना है कि कितनी परेशानी है, कितने दुखी है, ऐसा नहीं सोचते रहना है। हमें उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। फिर से पढ़ो, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, और तीसरा, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। क्या कहता है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अगर अभी हमारे पास शुरू से, हम अभी चर्च चालू है तब से कितने सारे वचन हमारे पास आए हैं, अगर वो वचन हमारे ध्यान में होंगे तो बहती, परमेश्वर का वचन एक पानी की तरह है ना, झरने की तरह है जो हमारे अंदर बहता है। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हमें रोज वचन मिलता है, हर संडे को वचन मिलता है, ग्रुप में हर रोज वचन मिलता है, कुछ ना कुछ उस वचन में हमारे लिए होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी दुखी के लिए है, ये तो मेरे लिए नहीं और किसी के लिए, ऐसा नहीं, मगर किसी के ना किसी के लिए होता है, हमारे हर एक के जरूरत के लिए होता है। तो बहती नालियों के समान यानी कि हर रोज हमें वचन मिलता है, तो हमें
एक विटामिन मिलता है और हमारे बॉडी में फ्रेशनेस आ जाती है कि प्रभु का वचन आज हमारे लिए क्या कह रहा है। तो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और आगे पढ़ो, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, जिसके पत्ते यानी कि हम कभी भी निराश नहीं होंगे क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है, वो हमारे साथ है, रात दिन वो हमारे साथ है, हमारी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ के वो विनती हमारे लिए कर रहा है। तो हमें भी कभी भी हमें नहीं दुखी होना है, इसका मतलब है उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कोई जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हम प्रभु हमारे जीवन में कभी सफलता लाएगा हमें नहीं पता। हम चाहते हैं हमारे जीवन में आज ही अच्छा हो जाए, हम आज ही पायलट बने और प्लेन लेके हम उड़ जाए, प्लेन लेके घूमे, मगर ऐसा प्रभु प्रभु को पता है हम प्लेन उड़ा भी नहीं सकते और लेके घूम भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु धीरे धीरे हमारे जीवन में हर एक आशीष को देता है। तो हमें प्रभु में हमेशा बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा फलवंत होना चाहिए। हमें जो भी हमारे लिए वचन मिला है वो हम दूसरे को बताने के काबिल होना चाहिए। अगर उस वचन हम अपने आप को आचरण में नहीं लाएंगे तो दूसरे को दूसरे के आचरण में हम ला नहीं सकते। इसीलिए हमें मजबूत बनना है तभी हम दूसरों को मजबूत बनाएंगे। मत्ती का 13 अध्याय में भी वही सेम लिखा है, देखो हम पढ़ेंगे मत्ती का 13 अध्याय। नया करार का पहला किताब है मत्ती। पांचवा, कुछ बीज पथरीले भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उख आए, है ना? हाँ। अब छे, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। हाँ, बस क्या कहता है परमेश्वर का वचन। अभी हम सुनते सुनते हैं, अगर उस वचन को सचमुच हमारे जीवन में लाएंगे तो ये जीवन ये ऐसा नहीं होगा। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, यानी कि अगर हम प्रभु में आए हैं, प्रभु पे हम निर्भर है, तो कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, हम प्रभु को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मगर हम प्रभु में मजबूत नहीं है तो कहता है कि पथरीली जमीन पर है, हम उगे थोड़े दिन के लिए आए। कोई कोई आते ना, हमारे लिए प्रार्थना करो हमारे वीजा जल्दी से आए, कोई एम्प्लॉयर अच्छा मिल जाए, और वीजा आया एम्प्लॉयर अच्छा मिल गया, वो बंदा फिर से दिखता ही नहीं है। जैसे वो बीज आए और तुरंत धूप आई, संकट आई, कष्ट आया, निकल गए। ऐसा इसलिए कहते हैं, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। जड़ अगर पकड़ते तो प्रभु में आते, यहाँ बैठते, प्रभु का वचन सुनते। उन्होंने जड़ पकड़ी नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि प्रभु से हमें क्या मतलब है। मगर जब यहाँ पे प्रभु ने हमें बुलाया है तो उसका कुछ मकसद होगा। प्रभु ने हमें चुना है तो उसकी कोई हमसे उम्मीद होगी। प्रभु यहाँ हमें ले आता है, वचन सुनाता है, सुनाने के लिए किसी को यहाँ पे खड़ा करता है, तो उसकी कोई उम्मीद ही होगी ना। तो हमें ऐसे 5 और 6 के वचन के मुताबिक नहीं होना है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें जड़ बहुत सी मिट्टी न मिली और वह गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गए, पर सूरज की किरणें पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण वो सूख गए। तो हमें ऐसे नहीं बनना है। हमें कैसे बनना है? भजन संहिता का दूसरा पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन की तरह प्रभु का वचन हमें हर रोज मिलता है, वो हमारे जीवन में हमें लेना है, वो वचन के मुताबिक हमें चलने की कोशिश करनी है। यिर्मयाह का निकाले 17 अध्याय, सत्रह अध्याय का 7 और 8 वचन। यिर्मयाह भजन संहिता के बाद में वचन कितना मिला? 17 का 7 और 8 वचन। सत्रहवा अध्याय का 7 और 8 वचन।
वचु धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगर हम भरोसा रखेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख तो जीवन में होता ही है। जीवन में हमारे उतार चढ़ाव होता ही है हमेशा। इसीलिए क्या कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अगर हम परमेश्वर को आधार अपना मानते हैं, उसने हमें बनाया है, अपने हाथों से हमें बनाया है, उसने अपना खुद का श्वास हमें दिया है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ कभी नहीं जानेंगे। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। भजन संहिता में भी वही पढ़ा ना हमने जी। नदी के किनारे लगा हो, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा, हम विश्वास में दृढ़ बनते जाएंगे, तभी ये सारे जीवन में हमारे कार्य होगा, सारे काम। क्योंकि हम जब तक विश्वास नहीं करते तो थोड़े थोड़े दिनों में संकट में आ जाते हैं। संकट के समय बोलते हैं कितना प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मगर हमारे जीवन से संकट निकलता ही नहीं है। इसीलिए हमारा प्रभु पे विश्वास होना जरूरी है। विश्वास में जड़े पकड़ना हमें जरूरी है। अगर हम जड़े नहीं पकड़ेंगे, अभी वो खजूर का झाड़ अगर जमीन में अपनी जड़े नहीं पकड़ेगा तो रेत में वो इतना लंबा झाड़ अगर हवा आएगी तो गिर जाएगा ना, मगर वो गिरता नहीं है। वैसे हमारे जीवन में संकट आए, दुख आए, हमें कोई दोषी ठहराए, हमें कुछ बुरा बोले, हमें कुछ भला बोले, हमारी निंदा करे, हमें दो गाली दे, गुस्सा करे, मगर हमें नहीं लगना चाहिए। वो खजूर का झाड़ रेत में उगता है, मगर जब तक वो अपना जमीन में जड़े नहीं बनाता है, पूरा नेटवर्क अपना फिक्स नहीं करता है, तब तक वो उगता नहीं है। और झाड़ भी हवा भी आएगी ना तभी भी वो ऐसे झूलेगा, मगर गिरता नहीं है। यहाँ से हवा आई तो यहाँ झूलेगा, मगर गिरता नहीं है, कभी वो टूटता नहीं है। लास्ट एक टाइम पर बोला था ना, बंबू का झाड़ भी काटे बिना वो टूटता नहीं है। इतनी पतली भी लकड़ी होगी ना तभी उसको ऐसे करेंगे तो टेढ़ा होता है, मगर टूटता नहीं। ऐसा 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 करके भी वो धागे धागे करके टूटता है। बंबू का झाड़ भी जमीन में जब तक अपने जड़े नहीं बनाता है तब तक वो बाहर नहीं उगता है। इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन में हमारी जड़े जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक हम यहाँ पर टाइम पे नहीं आएंगे, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, प्रभु का आदर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जड़े मजबूत नहीं है। परमेश्वर के वचन को बोलते हैं कि टेक इट इजी लेते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, जाना है ना, जाएंगे। ऐसा जब हम लेते हैं तभी हमारे जड़े प्रभु में मजबूत नहीं है। अगर हमारे जड़े मजबूत है तो हमें लगेगा कि प्रभु हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहा है, हमें जाना है, प्रभु से मिलने जाना है। अगर हम बोलते प्रधानमंत्री आ रहा है और हमें गिफ्ट बांट रहा है तो लाइन में पहला नंबर मेरा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आ रहा है वो, उसको भी देखना है और गिफ्ट भी लेना है। गिफ्ट मिले ना मिले मगर उसको देखना है। इसके लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले नंबर में मैं ही होंगी, क्योंकि रात भर नींद नहीं होगी, कब जाऊं मैं ऐसे, क्योंकि हमारे जड़े मजबूत हो गए वो उसको पाने के लिए। मगर प्रभु को किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए हम विश्वास नहीं करते। मगर प्रभु आत्मा में है और हमें आत्मा में हमारे होना चाहिए कि प्रभु के लिए हमें जाना है। प्रभु को वो आया है, वो बैठा है, हमारी राह देख रहा है और हमें उसको मिलना है। अगर हमारी जड़े मजबूत होंगी तो हम ऐसा जरूर सोचेंगे अपने दिल से कि हमें प्रभु के लिए जाना है, क्योंकि धर्मी जन को प्रभु ने बनाया है इसलिए कि वो उसकी सेवा करे। उसने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वो अकेला ही था। क्या बोला? हमें चलो कुछ हम अच्छा करते हैं और दिन को
उजाला और दिन अलग कर दिया, फिर जो भी पृथ्वी पे उसने बनाया, फिर हमें बनाया। अगर सोचता कि चलो मनुष्य को हम बनाएंगे, पहले दिन मनुष्य को बनाता तो मनुष्य क्या खाता, सारी चीजें बाद में बनाता। तो मगर परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा, हमारा काम है कि हम भी प्रभु के लिए सोचे कि वो हमारी राह देख रहा है। धर्मी जन जैसे देखो ऑटोमेटिक तैयार नहीं होते, अपने आप ही तैयार नहीं होते। जब हम वचन पर ध्यान देंगे, प्रभु इस दुनिया में क्यों आया, सचमुच आया और हमारे लिए उसने हमें अपनी जान दी है, ऐसा सोचेंगे तो ही हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, है ना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर में हमें मजबूत बनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सीधाई के मार्ग पे हमें चलना है। अगर हम चलेंगे प्रवेश, हम इतना ही करेंगे ना कि प्रवेश इस दुनिया में आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा और आज जो मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना पिता के दाहिने ओर बैठ के कर रहा है, अगर हम इतना विश्वास करेंगे, ये विश्वास में हम मजबूत हो जाएंगे तो जरूर हम प्रभु को रिस्पेक्ट देंगे, प्रभु के लिए हम आएंगे, क्योंकि उसने हमें बनाया। ये मेरा विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ये विश्वास करो कि प्रभु हम सबके लिए आया, मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए इस दुनिया में आया और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है जो इसराइल देश में घटी है और आज तक वो जगह जहाँ पे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया, वो आज भी जगह ऐसी है कि वो देख सकते हैं लोग। इसलिए हमें क्या करना है, हमारा विश्वास को मजबूत बनाना है खजूर के झाड़ के समान, तभी हम फलेंगे फूलेंगे, हमारे जीवन में हर जरूरत को पूरा होगा। ऐसा कि देखो सब लोग बोलते हैं ना, क्या हमारी जरूरत, धोते पार्ट टाइम मिल गए बस हो गया, घर खर्च हो गया, सब हो गया, ऐसा लगता है। मगर हमारे आत्मा का क्या होगा, आत्मा अमर है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता है। तो आत्मा हमारा कहाँ जाएगा, एक तो स्वर्ग में जाएगा, एक तो नरक में जाएगा। तो हम सब चाहते हैं, हम सब बोलते हैं ना कि हमारे आत्मा तो बाबा स्वर्ग में जानी चाहिए, मगर ऐसे अपने आप नहीं जाएगी। हमें हमारे आत्मा के संरक्षण के लिए प्रभु के वचन के मुताबिक हमें चलना है। आमीन। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रदेश, इस सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस वचन को बताने के लिए तुमने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु तुमने हमें आत्मिक नेता सुनने के लिए तैयार किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन को सिर्फ सुन के नहीं प्रभु, इस वचन के मुताबिक हम चलने वाले हम सबको तो बना प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल, आमीन। इस प्रार्थना को मैं बोलू, सब बोलेंगे बाद में। हे प्रभु भजन कितने उशीर उलट पुलट के लिए आता है बाबा प्रभु भजन कारण ते चार आठवड्याचं होतं ना, त्यांना पण सुचील नाही बोलत आणि हे वचन पहिलं आहे, हे पहिलं वचन आलं आता, ह्याच्यानंतर हे आहे। हा मी प्रार्थना को बोलते, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दिव्य कृपा से, हम आपकी दिव्य कृपा से और विश्वास से, और विश्वास से बच गए, बच गए। तारण के लिए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को, मेरी
हमारी गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है, जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को, मेरे सब पापों को अपना कर, अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, कबूल करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला, आनंद काल का जीवन, आनंद काल का जीवन जीने का, जीने का आप के साथ, आप के साथ जीने का वचन मिला, वचन मिला। प्रवेश, प्रवेश मन से, मन से आपका, आपका उपकार मानती हूँ, उपकार मानती हूँ। प्रवेश के नाम में मांगती हूँ, प्रवेश के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे ना, आता है ना प्रार्थना सब, तो पढ़ के वहां पर बोलो जिसको भी जनता ने। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा सदा। आमीन, आमीन। पता डाले दूसरे कुरिन्थियों का अध्याय 13:14 वचन बोलेंगे, हम सब साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।